हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये बताऊंगी आप बिग मेगा वेंडर ऐप में कैसे लिप्टन फ्रेंड शॉप रजिस्टर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको बिग मेगा वेंडर ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। ये मैंने इंस्टॉल कर लिया, मैं इसे ओपन कर लूंगी। आपको यहाँ दो ऑप्शन पूछा जाएगा, एक है क्रिएट योर अकाउंट, एक है क्लिक हियर टू लॉगिन। अगर आप बिग मेगा में नए हैं, अगर आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आप क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने आपका अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आपने पहले से ही एक अकाउंट बनाया है, तो आप यहाँ क्लिक हियर टू लॉगिन पर भी क्लिक करके अपना अकाउंट रीओपन कर सकते हैं। देन मैं आपको यहाँ नए से अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगी। क्रिएट योर अकाउंट पर मैंने क्लिक कर लिया। आपको इधर अपना फुल नेम एंटर करना है। ये मैंने एंटर कर दिया फुल नेम। देन आपको अपना ईमेल एंटर करना है। देन आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मैंने ऐसे ही डाल दिया नंबर, आपको अपना पर्सनल नंबर डालना है। देन आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ एंटर करना है। ये मैंने एंटर कर लिया। देन आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। देन रजिस्टर, ये हो गया हमारा अकाउंट रजिस्टर। देन स्टोर लिस्टिंग में हमें जाना है। यहाँ आपको अपनी शॉप की नेम डालनी है। तो मैंने एंटर कर दिया। देन आपको सब कैटेगरी ऐड करना है। आपको अपनी लोकेशन में, मैप लोकेशन में आपकी लोकेशन सेट करनी है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपकी लोकेशन मोबाइल की ऑन रहनी चाहिए लोकेशन सेट करते टाइम। ये मैंने सेव दे दिया। देन आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आपकी सिटी एंटर करनी है। आपको अपना एरिया सेलेक्ट करना है, अपना एरिया आपको एंटर करना है। देन आपका परमानेंट एड्रेस, देन आपको इधर आपका पान कार्ड या आधार कार्ड अपलोड करना है। फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट ऑप्शन आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पान कार्ड भी डाल सकते हैं। देन आपको आपका ट्रेड लाइसेंस अपलोड करना है। देन आपका FSSAI लाइसेंस आपको इधर अपलोड करना है। देन आपके स्टोर की एक फोटो आपको यहाँ डालनी है। देन रजिस्टर, ये हो गया एक्शन कंप्लीटेड। एक्सप्लोर ऑर्डर पेज पर आपको क्लिक करना है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ हर एक तरह के भी ऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं। ऑल ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, कंफर्म ऑर्डर्स, डिलीवर्ड ऑर्डर्स, टोटल प्रोडक्ट, ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। देन आपको राइट साइड में एक रेड सर्कल दिखाई दे रहा है जिसमें जीरो है। आप अगर सब्सक्रिप्शन करेंगे तो आपके सब्सक्रिप्शन के इधर एड्रेस दिखाई देंगे। देन आपको यहाँ बेल आइकन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको हर तरह की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देन आप यहाँ आप लेफ्ट साइड में थ्री हॉरिजॉन्टल लाइन देख सकते हैं, इसमें मैंने क्लिक कर लिया।
फ्रेंड्स आपको ऊपर यहाँ ऊपर आपको एक्टिव का बटन दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी वजह से छुट्टी पर हो या आप किसी वजह से शॉप ओपन नहीं कर सकते तो आप इनएक्टिव भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी दुकान खुली रखेंगे तो आपको एक्टिव करना है। देन आपको यहाँ होम में आपको यहाँ जो मैंने बोला होम पेज में वही ओपन होगा। नेक्स्ट आपको प्रोफाइल सेट करनी है आपकी। यहाँ आपको प्रोफाइल सेटिंग में आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है डिलीवरी ऑप्शन, एक है पिकअप ऑप्शन। इसमें से आप जो चाहे चूज कर सकते हैं। अगर आप होम डिलीवरी देना चाहते हैं तो आप डिलीवरी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप किसी वजह से डिलीवरी नहीं दे सकते तो आप पिकअप भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। देन हाउ मेनी किलोमीटर सर्विंग, इसमें आप अपनी दुकान कितनी दूर तक दिखाना चाहते हैं ये आपको यहाँ एंटर करना है। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया 10 किलोमीटर। देन अगर आप डिलीवरी चूज करते हैं तो आपको यहाँ पर किलोमीटर डिलीवरी चार्जेस यहाँ डालने हैं। ये मैंने डाल दिया 20। देन फ्री डिलीवरी अबो, अगर आप ज्यादा खरीदारी पर फ्री डिलीवरी देना चाहते हैं तो आपको कितने अमाउंट के बाद आप देना चाहते हैं ये आपको यहाँ एंटर करना है। ये हो गया। देन यहाँ अपडेट दे देना है। ये हो गई प्रोफाइल अपडेट। देन अगेन थ्री हॉरिजेंटल लाइन, इसमें आपको अगर प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप यहाँ ऐड प्रोडक्ट में क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट का नेम डालना है, प्रिंटर मैंने यहाँ डाल दिया। देन सब कैटेगरी में प्रिंटिंग, आपको यहाँ इसका ओरिजिनल प्राइस डालना है, ये मैंने डाल दिया। देन आपको डिस्काउंट प्राइस में आप ग्राहक को कितने में बेचेंगे ये आपको यहाँ एंटर करना है, ये मैंने डाल दिया। देन यूनिट में आपको पर पीस पर ऐसे सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ 1 डाल दिया। देन स्टॉक में आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है ये आपको यहाँ डालना है, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया। देन डिस्क्रिप्शन में आप कुछ आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छा सा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया। देन आपको प्रोडक्ट का फोटो डालना है, ये मैंने डाल दिया। आप अपने प्रोडक्ट के जितने चाहे अपने फोटोज डाल सकते हैं। देन ऐड प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट एडेड। आपको ओके पर क्लिक करना है। आपको यहाँ अब प्रोडक्ट डिलीट का ऑप्शन भी मिल जाएगा और एडिट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देख सकते हैं। देन थ्री हॉरिजेंटल लाइन अगेन, अगर आप प्रोडक्ट में कुछ मिस्टेक हो गया तो आप प्रोफाइल सेट करते टाइम आप यहाँ एडिट प्रोडक्ट में अपना प्रोडक्ट एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है एडिट पर एडिट का ऑप्शन, आप अपना प्रोडक्ट एडिट भी कर सकते हैं। देन ऑर्डर, आपको यहाँ हर तरह के ऑर्डर्स दिखाई देंगे, जैसे कि पेंडिंग ऑर्डर्स, कंफर्म ऑर्डर्स, डिलीवर्ड ऑर्डर्स, ये आपको यहाँ आपके ऑर्डर्स दिखाई देंगे। देन आता है रेटिंग एंड रिव्यू, लोगों के बारे में आपकी शॉप की क्या राय है ये आप यहाँ देख सकते हैं रिव्यूज के थ्रू। देन सब्सक्रिप्शन, फ्रेंड्स आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन करना है आपकी शॉप का। आप यहाँ कितने दिन का पैकेज लेना चाहते हैं आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं वैसे ही आपको शॉप का भी रिचार्ज करना है। ये मैंने 30 डेज
का रिचार्ज करा रही हूँ। पेनाव पेनाव पर आपको क्लिक करना है, देन आपको यहाँ बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे पेमेंट के, जैसे कि कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट। मैं वॉलेट से करती हूँ। ये वेरीफाई हो गया, ये हो गया एक्शन कंप्लीटेड। देन फ्रेंड्स आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन के डेज दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हम तो फ्रेंड्स ये हमारी शॉप रजिस्टर हो गई बिगमिदास वेंडर ऐप में। तो अब हम अगर कोई हमें अगर कोई ऑर्डर आए तो हम इसे कैसे एक्सेप्ट करें, मैं आपको ये दिखाऊंगी। तो इसके लिए बिगमिदास कस्टमर ऐप में जाना है, मैं एक प्रोडक्ट आपको बुक करके दिखाऊंगी आपको कैसे एक्सेप्ट करना है। ये मैंने बिगमिदास कस्टमर ऐप ओपन कर लिया। फ्रेंड्स आपको यहाँ बहुत से स्टोर दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको वी वॉल पर क्लिक करके फ्लेक्स एंड प्रिंटिंग शॉप लेना है। ये आपको बहुत से यहाँ स्टोर दिखाई देंगे। ये मैं सानवी प्रिंट पॉइंट जो मेरा स्टोर का नाम है, ये वी स्टोर पर दे रही हूँ। और ये प्रोडक्ट ऐड मैंने ऐड कर दिया, सक्सेसफुली एडेड टू कार्ट, ये कार्ट में सेव हो जाएगा। देन यहाँ से मैं चेकआउट कर लूंगी। ये हो गया चेकआउट, मैंने ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। ये हो गया सक्सेसफुली ऑर्डर। ओके, देन अब मैं वेंडर ऐप में कैसे एक्सेप्ट करना है ये आपको दिखाऊंगी। इसमें आपको ऑर्डर्स में आना है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है माही ऑर्डर किया हुआ, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको आप अपना प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, आप ग्राहक से डायरेक्ट कॉल पर भी बात कर सकते हैं। देन ग्राहक की लोकेशन भी आप चेक कर सकते हैं। ये मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। देन यहाँ ऑल ऑर्डर्स में, ये कंफर्म ऑर्डर्स में मैंने ओके किया हुआ, एक्सेप्ट किया हुआ ऑप्शन शो होगा। देन अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, ये डिलीवर्ड हो चुका है, तो आप यहाँ कंप्लीटेड पर क्लिक कर सकते हैं। ये हो जाएगा डिलीवर्ड ऑर्डर में सेव। ये हो गया आपको प्रोडक्ट ऐड। और आप इस तरह से बिगमिदास वेंडर ऐप में अपना ऐप रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी शॉप रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी शॉप फेमस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।